हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। गाइस, मैं जस्ट सो रही थी और सो के उठी और मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर के कमेंट प्लस मेल पड़े हुए थे। और मेल जब मैंने पढ़े उसके बाद मैंने कुछ चेक किया तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी वो बिल्कुल करेक्ट थी। गाइस, मेरे एक दो सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस आए और मेल्स आए, उन्होंने मुझे बताया कि मैम, आपने अमित और किट्टो के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था, जो उन्होंने एनिवर्सरी पे भगवान से अपनी एंट्री कराई थी, तो मुझे ये तो पता था कि उन लोगों ने मेरा वीडियो पोस्ट करने के बाद जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, मैंने उस वीडियो के ऊपर अपना रिप्लाई दिया था, तो उन लोगों ने अपना कमेंट सेक्शन जो है वो हाइड कर दिया था और कोई भी उन्हें कमेंट नहीं कर पा रहा था। और ये चीज़ मैंने खुद भी देखी थी, उन लोगों ने अपना जो कमेंट सेक्शन था उसको ऑफ कर दिया था ताकि कोई भी उन्हें कमेंट ना कर पाए। और आज क्या हुआ, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेल किया और बताया कि मैम, वो जो अमित किट्टू की एनिवर्सरी वाला जो उनका वीडियो था वो उन्होंने या तो डिलीट कर दिया है, हटा दिया है अपने चैनल से, या फिर उन्होंने उसको प्राइवेट कर दिया है क्योंकि वो वीडियो दिख नहीं पा रहा है। तो सडनली मैंने भी उनके चैनल पे जाके वो वीडियो देखा तो गाइस, मुझे भी वो वीडियो नहीं दिखा। पहले उन्होंने कमेंट सेक्शन हाइड किया था और अब वो वीडियो मुझे कहीं भी नहीं दिखा। मैंने उनके चैनल पे बहुत अच्छे से चेक कर लिया और आई वाज टोटली शॉक्ड। अगर आप सही हो, ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है, जो लोग आके मेरे चैनल पे बकवासबाजी कर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे मुझे, तो आप जाके अमित और किट्टो से पूछो कि अगर वो सही हैं तो क्यों उन्होंने पहले अपना कमेंट सेक्शन जो है हाइड किया और उसके बाद अब उन्होंने वो चैनल ही अपने वीडियो से वो वीडियो ही उन्होंने अपने चैनल से हटा दिया है। या तो उन्होंने प्राइवेट किया है या फिर उन्होंने वो जो वीडियो था उसको डिलीट ही कर दिया। वीडियो के थ्रू अमित और किट्टो से भी पूछना चाहती हूँ कि अगर आप सही थे, अगर आपको लगता है कि आपने सही किया था, तो सबसे पहले तो आपने अपना कमेंट सेक्शन जो था उसको हाइड कर दिया ताकि आपको कोई भी कमेंट ना कर पाए। क्योंकि उस दौरान हुआ ये कि लोग बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे थे क्योंकि सबको ये चीज़ बहुत गंदी लगी थी, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों। और अब हाल ही में, मुझे नहीं पता कब हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर का जब मेरे पास मेल आया और जैसे ही मैंने चेक किया, मैंने भी देखा कि उनके चैनल पे वो वीडियो कहीं भी नहीं है, तो उन्होंने वो वीडियो जो है डिलीट कर दिया है। क्यों किया डिलीट? अगर आप सही हो तो आपने वीडियो क्यों डिलीट किया? मैंने अपना पॉइंट रखा, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने आके उल्टा सीधा बोला, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो अपना पॉइंट रखा था वो बिल्कुल ठीक था। मैंने अपने चैनल से कोई भी वीडियो डिलीट नहीं किया है। आप मेरे पुराने सारे वीडियोस देख सकते हैं, जो भी मैंने वीडियोस बनाए थे एज इट इज मेरे चैनल पे हैं, जहां मुझे जो चीज़ गलत लगी थी, जिस चीज़ के ऊपर मैंने अपना पॉइंट रखा था, वो वीडियोस आज भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे क्योंकि मैं सही हूं, मैंने कोई भी वीडियो डिलीट नहीं किया। और अमित और किट्टो को पता था कि उन्होंने जो किया है वो गलत है और लोग आके उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे लोग, और उनको पता था कि उन्होंने गलत किया है, इसलिए अब उन्होंने क्या किया है कि वो वीडियो ही अपने चैनल से डिलीट कर दिया है। तो जितने भी सब्सक्राइबर्स मेरे पास आके मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे, अब आप जाके अपने अमित भैया और किट्टो दीदी से पूछो कि उन्होंने वो वीडियो क्यों डिलीट किया या फिर उस वीडियो को क्यों प्राइवेट किया। ठीक है, अगर आप सही हो तो आपको तो कुछ भी हटाने की जरूरत ही नहीं है अपने चैनल से। मैं सही हूं, मैंने अपने चैनल पे सारी चीजें एज इट इज रखी हुई हैं, मेरे आपको सारे पुराने वीडियोस एज इट इज मिलेंगे, ना ही मैं डिलीट करने वाली हूं। अगर आपके अमित भैया और किट्टो दीदी सही हैं तो उन्होंने क्यों उस वीडियो को डिलीट किया? एट द एंड बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप बस सही रास्ते पे चलते रहो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मैं सही थी, मैंने सही स्टेप लिया था और देख लीजिए, वो लोग गलत थे। उन लोगों ने जो स्टेप लिया था, जो भी उन्होंने हरकत करी थी वो गलत थी, इसलिए लोगों ने उन्हें इतना ट्रोल किया कि उन्होंने अपना वीडियो प्राइवेट कर दिया या फिर उन्होंने वीडियो चैनल से हटा ही दिया है। अभी मुझे तो नहीं दिख रहा और बाकी मेरे जो सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे बताया उनको भी शो नहीं हो रहा, और या तो उन्होंने प्राइवेट कर दिया है या फिर वीडियो को हटा ही दिया है चैनल से। तो अगर आप सही हो तो आपको कुछ भी अपने चैनल से हटाने की जरूरत नहीं है, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और बाकी जो लोग आके बकवासबाजी कर रहे हैं वो करते रहे, मेरे पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और गाइज, आपकी क्या राय है आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय गाइज।